ट्रंप ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है इंडिया के बारे में। ट्रंप ने वो बयान दिया जो अब तक किसी दुनिया के और लीडर ने नहीं दिया था। बड़ी खबर आपको बताएंगे, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया आई सामने। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों की कड़ी निंदा कर दी। हिंदुओं पर हमले की निंदा करता हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, बांग्लादेश में अराजकता फैली हुई है, मेरे कार्यकाल में ऐसा कभी नहीं होता। उन्होंने इंडिया से टाइज स्ट्रेंथन करने की बात की है। ये तो एक ऐसी सवाल है जो हम सब थोड़े से परेशान हैं। वो प्रोटेक्ट करेंगे हिंदूस को। कमला और बाइडेन ने दुनिया भर के और अमेरिका के हिंदुओं को इग्नोर किया है, ऐसा कह के सीधे सीधे उन्होंने बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के पीछे जिस तरह से अमेरिकी हाथ बताया जा रहा है उसको लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गुड फ्रेंड कहा है ट्रंप ने। रिपब्लिकन और ट्रंप हमेशा भारत के लिए बढ़िया रहे हैं। और टू बूस्ट फ्रेंडशिप विद मोदी, ये नारा भी लगाया है ट्रंप ने। आप लास्ट में क्या रिमार्क डोनाल्ड ट्रंप ने जो मोदी साहब के बारे में कहा, आप उससे एग्री करते हैं कि वाकई उनकी पर्सनालिटी ऐसे है? लेकिन एक बात तो साबित हो गई और वो ये है कि इंडिया एक बड़ी ताकत है और ऐसी बड़ी ताकत है कि जो अमेरिका के इलेक्शन है उसके अंदर भी इंडिया इंडिया हो रहा है। मोदी अच्छा है लेकिन अपने इंडियंस के लिए, तो इंडिया के लिए अच्छा होगा क्या? हमारे लिए अच्छा होगा? हमारे लिए तो शायद, जाहिर सी बात है, वो थोड़ी फाशिस्ट हमारे लिए तो वो कह रहे हैं बड़े अग्रेसिव है। एक बड़ी खबर लेकर, और खबर ये है कि ट्रंप ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है इंडिया के बारे में। उन्होंने इंडिया से टाई स्ट्रेंथन करने की बात की है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गुड फ्रेंड कहा है ट्रंप ने। और टू बूस्ट फ्रेंडशिप विद मोदी, ये नारा भी लगाया है ट्रंप ने। और इसी के अंदर ट्रंप ने ये भी कहा है कि वो प्रोटेक्ट करेंगे हिंदूस को। ना सिर्फ उन्होंने अमेरिका में रहने वाले हिंदूस इंडियन कम्युनिटी की बात की है, बल्कि साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म व सितम हुआ या हो रहा है उसके ऊपर भी आवाज़ उठाई है। तो एक उनकी स्टेटमेंट उनके ट्विटर एक्स के थ्रू पब्लिक तक पहुंची और अब उसके पर बहुत बात हो रही है। कोई ये कह रहा है कि क्योंकि इलेक्शंस तो अब सर पर आ पहुंचे, तो अब ये ट्रंप की ये वाली ट्वीट या ये बात कहना ये इलेक्शन में एक पॉपुलैरिटी या सपोर्ट गेन करने के लिए है। अमेरिका में जो इंडियन कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में बहुत पॉपुलर और बहुत इन्फ्लुएंशियल इंडियन कम्युनिटी है अमेरिका के अंदर, उनका वोट हासिल करने के लिए। लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि अगर ट्रंप ये इलेक्शन जीतते हैं और प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो इंडिया से अपने जो बायलैटरल टाइज हैं उसको स्ट्रेंथन करेंगे और मोदी को एज ए फ्रेंड ही लेंगे, ऐसा होगा। और क्या वो हिंदूस को भी प्रोटेक्ट करेंगे, हम आपके सामने पहले वो स्टेटमेंट रखे देते हैं फिर जरा इसको एनालाइज करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये उन्होंने ट्विटर पे अपनी एक्स पर जो है ये किया, अपनी एक्स मैंने कहा नहीं एक्स पर यानी कि ट्विटर पर, जो पहले ट्विटर हुआ करता था वहाँ पर उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया। आई स्ट्रांगली कंडेम दी बारबरिक वायलेंस अगेंस्ट हिंदूज क्रिश्चियंस एंड अदर माइनॉरिटीज हु आर गेटिंग अटैक्ड एंड लूटेड बाय मॉब्स इन बांग्लादेश विच रिमेन्स इन ए टोटल स्टेट ऑफ कैओस। इट वुड हैव नेवर हैपन ऑन माई वॉच। फिर उन्होंने कमला हैरिस और जो बाइडन को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि इन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया है, यानी हिंदूस की प्रोटेक्शन को कमला हैरिस और बाइडन ने इग्नोर किया। फिर इनका ये कहना था कि यूक्रेन से लेकर इजराइल तक जो सदर्न बॉर्डर से लेकर अमेरिका जो है उसको हम एक बार फिर स्ट्रांग बनाएंगे, वही मेगा MAGA मेगा या मागा जो भी इस पे चलता है उसी की वो बात कर रहे हैं। पहली तो बात यह है कि जैसे आपने ये बात की है कि अगर दूर से उनको देखें तो वो एक अजीम शख्सियत लगती है, प्यार करने वाली, ठीक है। मैं बल्कि ये कहता हूँ नज़दीक से भी देखें तो वो प्यार करने वाले लगते हैं। लेकिन कहते हैं ना, इज्जत करेंगे तो इज्जत करवाएंगे, ठीक है।
अगर आप उनके उनको कोई बेनिफिट देते हैं तो वो आपको भी बेनिफिट देंगे, अगर आप उनकी इज्जत करते हैं, केयर करते हैं, तो वो आपकी भी करेंगे। बेशक आप दूर हैं, बेशक आप पास हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप उनके अगेंस्ट चलते हैं फिर आप बेशक दूर हैं, बेशक नजदीक है, वो आपको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। घुसके मारने वाला, वो घुसके मारेंगे, जिस तरीके से इंडिया की क्रिकेट टीम बुला के भी मारती है, जाके भी मारती है, ठीक है। इसी तरह अगर हम उनकी सिक्योरिटी की बात करें, सेफ्टी की बात करें, तो वो सिर्फ मोदी जी नहीं बल्कि कोई भी है, आप उनके अगेंस्ट चलेंगे तो वो आपको पूरा पूरा जवाब देंगे, इंडिया जवाब देते हैं, और वो उसके हकदार भी हैं, ठीक है। और इंडिया के पास इस वक्त वैसे भी ऐसी पावर है, ऐसी टेक्नोलॉजी है, उनकी माशाल्लाह हर चीज वो अपनी ही कंट्री में पैदा कर रहे हैं, किसी के मोहताज नहीं है, ठीक है। हर कंट्री से वो लड़ने का इस वक्त पावर रखते हैं, तो इसलिए लड़ते नहीं है, कह रहे कि पहला एग्रेशन हमारी तरफ से, बिल्कुल ऐसे है। देखिए उन्होंने हमेशा तरक्की की ही इस वजह से है, उन्होंने जंगे नहीं लड़ी है, उन्होंने अपने सियासी मुखालफीन को सजाएं नहीं दी है, बल्कि उन्होंने अपनी पब्लिक के लिए जो बेनिफिट्स हैं उसके लिए तजारत करना चाहिए। अगर वो किसी दूसरी कंट्री में भी गए हैं, पहले उन्होंने अपनी पब्लिक की जो है सेफ्टी और केयर सामने रखी है। देखिए जैसे पीछे भी थोड़े दिनों पहले मोदी का जो बयान आया था कि हमारे जो एंटीक पीस है, जो मूर्ति है, उनको रिटर्न किया जाए, ठीक है, तो वो क्या उसमें मोदी जी का कोई फायदा नहीं था, अपनी पब्लिक के लिए किया था। इसी तरह वो डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कही है वो एग्जैक्ट कही है कि वो अपने पब्लिक को बच्चों की तरह प्यार करते हैं, अपनी बेटियों को बेटी समझ के उनके सर पे हाथ रखते हैं। हम जो हैं, हम लोग जो हैं, हम एक दूसरे के सियासी मुखालिफिन बन चुके हैं, हमें अपनी कंट्री का कुछ पता नहीं है, हम तो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं, कैसे गिराना है इसकी हुकूमत, कैसे गिराना, बिल्कुल ऐसे हम लेग पुलिंग। फिर उन्होंने इसको सिर्फ यही नहीं बल्कि एक बार फिर उन्होंने हिंदूज की बात की, और फिर उन्होंने ये कहा कि जो हिंदूज इस वक्त अमेरिका में है उनको भी प्रोटेक्ट करेंगे, और बांग्लादेश की बात जैसे उनका, वी विल आल्सो प्रोटेक्ट हिंदू अमेरिकन्स अगेंस्ट द एंटी रिलीजन एजेंडा ऑफ द रेडिकल लेफ्ट, वी विल फाइट फॉर योर फ्रीडम अंडर माय एडमिनिस्ट्रेशन, वी विल आल्सो स्ट्रेंथन आवर ग्रेट पार्टनरशिप विद इंडिया एंड माय गुड फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि आने वाला, अगर ट्रंप जीतते हैं तो आने वाला प्रेसिडेंट भी मोदी को ग्रेट फ्रेंड कह रहा है, और जो प्रेसिडेंट अभी गया है या जा रहा है यानी कि बाइडेन, वो भी मोदी को फ्रेंड ही कहते थे, और मतलब से कौन नहीं कहता, पूरी दुनिया ही फ्रेंड कहती है उनको, लेकिन इस मौके पर, इस मोमेंट पर ये कहना तो इसकी अपनी हैसियत है। बहरहाल फिर वो ये बोलते हैं कि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं ट्रंप, उन्होंने कहा कि कंडेम किया वायलेंस अगेंस्ट द हिंदूज एंड अदर माइनॉरिटीज ग्रुप्स इन बांग्लादेश। अच्छा, अब उनके जो ये ट्वीट है इसका आखिरी हिस्सा अगर हम देख लें, तो फिर उन्होंने ये बताया है कि जो वी विल फाइट फॉर फ्रीडम, ये तो बोला, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि हमने क्या कुछ किया उनकी हुकूमत में, कमला हैरिस और बाइडेन की हुकूमत में क्या हुआ, वो उन्होंने अमेरिका के अंदर की जितनी भी है, वो इस वक्त जो चल रहा है एक कैंपेन के बीच, उसके ऊपर बात की है दोनों, यानी कि कंडेम किया है अपनी ओपोनेंट पार्टी को यानी कि डेमोक्रेट्स को। फिर उन्होंने कहा कि हैप्पी दिवाली भी कहा, ऑल्सो हैप्पी दिवाली टू ऑल, आई होप द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स लीड्स टू द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर ईवल। ये तो भाई जो एक कहा जाता है कि जो दिवाली की लाइट्स हैं वो गुड ओवर ईवल होती हैं, ईवल को ख़त्म करने के लिए, डार्कनेस को ख़त्म करती हैं वो। अच्छा, अब देखिए इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि जो उन्होंने ये कहा कि हम जो अमेरिका में रहने वाले रेडिकल लेफ्ट हैं उनसे हम हिंदुओं को प्रोटेक्ट करेंगे, अब इसी के साथ फिर उन्होंने बांग्लादेश की भी बात की। अब अमेरिका में रहने वाले जो हैं उनको ट्रंप ने ये वाली बात, एक तो ये कि पूरी स्टेटमेंट को ही अगर हम देखें तो काफ़ी देर नहीं कर दी, क्योंकि ये तो बात वो पहले भी कर सकते थे, और बांग्लादेश का जो सिलसिला है वो तो काफ़ी दिनों से चल रहा है, बांग्लादेश का आप जानते हैं ये जो इश्यू है ये तो काफ़ी दिन हो गए इसको शुरू। आप लास्ट में क्या रिमार्क, डोनाल्ड ट्रंप ने जो मोदी साहब के बारे में कहा, आप उससे एग्री करते हैं कि वाकई उनकी पर्सनैलिटी ऐसे है? तो डोनाल्ड ट्रंप अभी जाहिर सी बात है इलेक्शन आ रहा है, तो उन्होंने कोई पॉलिटिकल उसके लिए फायदे के लिए उन्होंने बोला होगा, लेकिन सच तो है कहीं ना वैसे। हाँ,
मोदी अच्छा है लेकिन अपने इंडियंस के लिए, तो इंडिया के लिए अच्छा होगा क्या, हमारे लिए अच्छा होगा? हमारे लिए तो शायद जाहिर सी बात है वो थोड़ी फैशिस्ट, हमारे लिए तो वो कह रहे हैं बड़े अग्रेसिव हैं, कह रहे मैंने खुद ही डील कर, सिर्फ हमारे लिए नहीं बाकी वर्ल्ड के लिए भी, मतलब नहीं सर वर्ल्ड उनको ग्लोबल लीडर मानती है, रशिया यूक्रेन की जंग है किसके पीछे दुनिया भाग रही है, इंडिया के पीछे, अब फलस्तीन और इसराइल की जंग है तो किससे ईरान अपीले कर रहा है, इंडिया से कर रहा है, उसके ना गवर्नमेंट थोड़ी फैशिस्ट टाइप है, कुछ पॉलिसी है उनकी, लेकिन ये है कि ऐसे ग्लोबली अगर हम देखें तो अच्छा लीडर है वैसे, अच्छा हाँ, इसे है। कोई इनकार नहीं कर मतलब सकता, मतलब ट्रंप ने कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं खेला, रियलिटी बोल दी है। हाँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में उन्होंने कोई नहीं बोला हाँ। उनको पता है कि नहीं है ना इतना नहीं है। हाँ, और मतलब उनमें बात उनकी होती है जिनमें कोई बात होती कोई बात होती है। नाज़रीन, हाल ही में बीजेपी के ज़ेरे असर राजस्थान हुकूमत ने एक दरख्वास्त पर गौर शुरू किया है जिसके मुताबिक गाय को राजमाता यानी रियासत की मां करार दिया जाएगा, जिसका मकसद मुसलमानों को गाय को ज़बिया करने से रोकना और इसे कानूनी हैसियत देना है। 31 एमएलए जिनमें बीजेपी के चीफ व्हिप जोगेश्वर गर्ग और बीजेपी एमएलए गोपाल शर्मा और बालमो कंदाचार्य शामिल हैं, इन्होंने राजस्थान के वज़ीर आला भजन लाल शर्मा को खत लेकर गाय को राजमाता का दर्जा देने का मुतालबा कर दिया है। वज़ीर आला भजन लाल शर्मा ने इस खत को तस्लीम किया है और उन्हें यकीन दिलाया कि इस मामले का जायजा लिया जा रहा है और जल्दी फैसला मुतवक्के है। बीजेपी रहनुमाओं की तरफ से इस मुतालबे की हिमायत इस बात की अक्कासी करती है कि गाय के नाम पर सियासी फायदे के लिए मुसलमानों के जज्बात का इस्तेहसाल किया जा रहा है। राजस्थान हुकूमत ने आवारा गाय जैसे अल्फाज पर भी पाबंदी लगा दी है जो एक गैर मौसर इकदाम है और गाय की हकीकी हालत को नजरअंदाज करता है। गाय की हालत के लिए बेबस जैसी इस्तेलाहात इस्तेमाल करने की तजवीज़ दी है।